स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबर देहरादून से है जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह राम मंदिर के निर्माण स्थल को अभी भी मस्जिद का हिस्सा बताने की बात कर रहे हैं। साथ ही हनुमानगढ़ी में तोपों के रखने को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस का चरित्र सनातन धर्म का अपमान करने का रहा है, इसलिए वह हनुमानगढ़ी के साथ राम मंदिर पर भी सवाल उठा रहे हैं और कहा कि जो कि कोर्ट के फैसले का भी अपमान है, क्योंकि कोर्ट ने ही राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। तो कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण स्थल जो है अभी भी मस्जिद का हिस्सा है। और इसके बाद जो है बीजेपी प्रभारी मनवीर चौहान ने इस पर पलटवार किया है और उन्होंने कांग्रेस पर कहा है कि कांग्रेस का जो चरित्र है वह सनातन धर्म के अपमान करने की रही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा ही सनातन विरोधी रही है और सनातन के विरोध में उनके एक नहीं अनेकों बयान, गाली गलौज और सनातन को बदनाम करने की उनकी भरसक प्रयास उनके द्वारा किया गया है। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिस तरह से उन्होंने रामगढ़ी को आतंकवाद का अड्डा बोला और भगवान राम का 500 साल बाद जो विशाल भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, उस मंदिर को वो अपने सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति के तहत जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस का जो असली चेहरा है सनातन विरोधी वो उसका सामने आ रहा है। और साथ ही जिस तरह से कुछ कांग्रेस के नेता ढोंग के रूप में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन राम भजन या अन्य कार्यक्रम में वो भाग लेने की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से उनके कई नेता जिस प्रकार से रामगढ़ी को आतंकवाद का अड्डा और भगवान राम के दिव्य मंदिर को जिस तरह से उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो दुर्भाग्यपूर्ण और उनका असली चेहरा जनता के सामने आया है। कांग्रेसियों की जो मति भ्रष्ट हो गई है, बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। और आज यही नहीं, अगर आपने देखा होगा कई मुस्लिम नेता, मैं देख रहा था कि चैनल पे एक कोई बहुत बड़ी मुस्लिम समाज सेविका राम भजन गा रही थी, तो भगवान राम तो सबके हैं। क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि जो उनका वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक खिसका हुआ है इससे हमारे पास आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला है। और भगवान राम के चरणों में तो कहता हूँ आप जाइएगा, अदरवाइज कांग्रेस का जब पिछली बार से बुरा जो है हाल हो। हमने उस वीडियो की जांच कर ली है, वो वीडियो पूरी तरह से एडिटेड वीडियो है। न प्रभात जी जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व कभी भी इस तरह के की बात बोल ही नहीं सकते। कई जगह पर अगर आप उस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें कट लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमति ने पिटारा जोड़ा है। अब इसमें भानुमति कौन है वो आप खुद अंदाज लगा, जो कुछ भी कह दीजिए, विवादित ढांचा कह दीजिए। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट जुड़ गए हैं और उनसे ज्यादा जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। देश भर में जहाँ राममय माहौल है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जो है बहुत जोर शोर से चल रही है और अब भी इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राम मंदिर का जो स्थल का हिस्सा है वो अभी भी मस्जिद का हिस्सा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ना तो कभी इस प्रकार का बयान दिया, ना कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की राजनीति करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आदरणीय शंकराचार्यों के पक्ष में है और शंकराचार्यों के आदेश का पालन कर रही है। क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो भी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है और शंकराचार्य को सनातन परंपरा में भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अगर भगवान शिव का ही अपमान भाजपा कर रही है और कांग्रेस इस बात को कह रही है तो भाजपा इससे बौखला गई है, अब उन्हें और कुछ सूझ नहीं रहा है।
क्योंकि ये सनातन विरोधी हैं, इसीलिए शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं, इसीलिए जो है कांग्रेस नेताओं के वीडियो को जो है तोड़ मरोड़ करके एडिट करके जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा का आईटी सेल इस प्रकार के एडिटेड वीडियो प्रचारित प्रसारित करने में माहिर है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, आपको याद होगा कि आलू से सोना बनाने वाला बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, लेकिन वो राहुल गांधी जी के नाम से किस तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य भाजपा आईटी सेल ने और भाजपा ने किया, तो देश का बच्चा बच्चा भाजपा के इस प्रकार के षड्यंत्र को अभी तक जान गया है। और अगर आप नवप्रभात जी के बारे में जानते हो, वो उत्तराखंड के सबसे धीर गंभीर और विद्वान जो है राजनेताओं में जाने जाते हैं, वो कभी भी इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। और जैसा कि मैं अभी जिस करप्शन में सुन रहा था कि हमारी प्रवक्ता गरिमा जी बता रही थी कि हमने उस वीडियो की जांच कर ली है और वो वीडियो एडिटेड वीडियो है, आप अगर देखेंगे उसमें 6 जगह से कट लगे हुए हैं, तो आखिर भाजपा को इस प्रकार के षड्यंत्र करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसीलिए पड़ रही है कि वो जो अपने को प्रचारित कर रही है उसकी गले खुल गई है, संत समाज और जो है श्रद्धेय शंकराचार्य भाजपा की पोल पट्टी खोल रहे हैं और भाजपा से ये सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये राम के नाम को भी राजनीति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम कोटि कोटि श्रद्धालुओं के हृदय में युगों युगों से है, इसे कोई राजनीतिक पार्टी कैसे स्थापित कर सकती है? आप बताइए ना, दीपावली का त्योहार आप भी मनाते हैं, मैं भी मनाता हूँ, कोटि कोटि जो है भगवान राम के भक्त पूरी दुनिया में हर वर्ष जो है दीपावली मनाते हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी के आह्वान पर या आदेश पर मनाते हैं क्या? ये तो जो है एक शाश्वत प्रक्रिया है। जुड़ गए हैं और हम उनसे पूछना चाहेंगे। विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ कांग्रेस की तरफ से जो है कहा जा रहा है कि ऐसा कोई बयान ही नहीं आया, जैसा कि अभी आपने सुना और शिषपाल जी ने कहा है। नमस्कार। अब देखिए, जो ही आजकल आरोप लगा देना और आरोप लगा करके भाग जाना, ये आज की टेंडेंसी नहीं है कांग्रेस की, ये पुरानी टेंडेंसी है और ये ऐसा करते रहते हैं। इनकी आज कांग्रेस के नेताओं की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है, मैं तो कहूंगा कि ये वैचारिक विकसित हो गए हैं आजकल। आजकल इनको समझ ही नहीं आ रहा है, ये एक शब्द होता है कि बौरा गए हैं, इतना माहौल राममय हो गया है उसमें बौराने का काम कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी बोलते हैं। और क्यों एडिट करने लगेगा कोई भाई? और कौन सी लेबोरेटरी है तुम्हारी वो कांग्रेस पार्टी की कि तुमने वो तय कर दिया कि भाई वो तुमने कट लगे हैं 10 जगह में कट लगे हैं? कौन सी लेबोरेटरी है? अरे इनकी लेबोरेटरी तो वो है जो राम सेतु पर एफिडेविट देती है इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन, जो इनकी सर्वे सर्वा है इस देश की कांग्रेस की नेता है बड़ी है, जिन जिस परिवार के प्रति इनकी आस्थाएं रहती हैं, उस परिवार ने कहा कि राम सेतु हुआ ही नहीं, एफिडेविट दिया, ये उस पर भी कहते हैं साहब हमने दिया ही नहीं। तो ये तो प्रमाण को झुटलाने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी सनातन संस्कृति का, आज अभी मैं सुन रहा था, बड़े बड़े तरीके से बोल रहे हैं कि भैया शंकराचार्य जी अरे कांची काम कोटी के शंकराचार्य जयंत्र सरस्वती जी को आधी रात किसकी सरकार में गिरफ्तार किया गया, और ये अब मुक्तेश्वर आनंद जी शंकराचार्य जी जो है उनको इनके इंडिया गठबंधन जो है उसके सपा के जो सरकार में किस प्रकार से उनके साथ अभद्रता की गई, किस प्रकार से उनको रोका गया, किस प्रकार से उनकी उनपे उनके समर्थकों पर किस प्रकार से किया गया, और तमामों प्रमाण है। जब सनातन संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले, सनातन धर्म पद्धति को मानने वाले, पूजा पद्धति को मानने वाले लोगों पर, सनातनियों पर और सनातनी नहीं साधु संतों पर लाठियां इनकी सरकार में चली है, किसकी सरकार थी जरा याद करना है चाहिए ना, इतिहास याद दिलाऊंगा तो फिर ये तो डिबेट्स में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए ये सारे आरोप लगाते हैं, जिस प्रकार से नवप्रभात जी ने कहा है ना, ये लोगों की सोच आज भी नहीं बदली है सर, ये कांग्रेस आज भी नहीं बचा पा रही है कि कैसे वहां पर मंदिर बन गया। आप कह रहे हैं कि राजनीति, अरे भाई तुम तुष्टिकरण के चश्मे पर इतने हो, तुम तुष्टिकरण की राजनीति इतना कर रहे हो कि तुमको दिख भी नहीं रहा है कि सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता का विरोध, आप मोदी का विरोध करते करते आज राम का विरोध करने लगे हो, आज मोदी जी का विरोध करते करते आप सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता का विरोध करने लगे हो। सनातन, आप जानते हो इस देश के अंदर सनातनी लोग कितने मानने वाले लोग हैं भाई, और अन्य कितने मानने वाले लोग हैं, आप तो सनातनियों को बिल्कुल ही दरकिनार कर रहे हो। तो इनकी सोच आज भी वही होने वाली है, और मैं ये कहता हूं जो आज का राम का प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं, जो आपका निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, जनता उनको ठुकराएगी।
जी शशपाल जी, क्या वजह है कभी कांग्रेस की ओर से जो है प्यार दिखाया जाता है, उनके जो कुछ नेता है कार्यकर्ता वो कहते हैं कि हम जाएंगे, लेकिन आला दर्जे के जो नेता है चाहे वो सोनिया गांधी हो, खड़गे हो, वो उन्होंने जो है इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है? क्या कांग्रेस से, कांग्रेस को राम से प्यार नहीं है, इतना विरोध क्यों? देखिए ऐसा है ना, भाजपा आज भगवान राम के प्रति राजनीतिक कारणों से अपना प्यार दिखा रही है, लेकिन शायद इन्हें जानकारी नहीं है कि 1949 में जो है 22-23 दिसंबर की रात्रि को वहां पर राम जी की प्रतिमा रखी गई, तब देश में किसकी सरकार थी, कौन देश के प्रधानमंत्री थे, और 1950 में रामलला वहां पर विराजमान है, इसका हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में किस सरकार ने दिया, तो इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। और जो कह रहे हैं कि राम का जो है प्रस्ताव ठुकरा दिया या निमंत्रण ठुकरा दिया है, अरे हम पहले ही कह चुके हैं कि जो सनातन की धुरी है, सनातन के जो चारों स्तंभ है, शंकराचार्य अगर जो है वहां जाने से इनकार कर रहे हैं, उसको शास्त्र सम्मत नहीं मान रहे हैं, तो मतलब अगर ये तो शंकराचार्य का भी अपमान कर रहे हैं, तो जो भगवान के अवतार को नहीं मान रहे हैं वो कितना भगवान राम को मानते होंगे, कितना जो है हिंदुत्व को मानते होंगे, उसका तो जो है खुलासा हो रहा है ना, जनता देख और समझ रही है। भाई ये राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने शंकराचार्यों का अपमान सहन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए शंकराचार्य के प्रति जो है हिंदुत्व में क्या है, शास्त्रों में क्या है, और उनका स्थान जो है सनातन में क्या है, ये शायद भाजपा के लोग नहीं समझ रहे ना ये जानते हैं, क्योंकि इनको तो केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है, और भगवान के दरबार में किसी राजनीतिक पार्टी को क्या अधिकार है कि वो जो है वो कह रहे हैं कि साहब जब हम कहेंगे तब यहाँ आना चाहिए, अरे भगवान जब बुलाएंगे भक्त तब वहां चले जाएंगे, उसमें क्या है, कोई घमंड से भगवान का दर्शन थोड़े ना कर सकता है, वो तो देव इच्छा से ही और देव कृपा से ही होगा, और जब देव कृपा होगी तो निश्चित तौर पर जो भी भगवान राम का भक्त होगा वो निश्चित तौर पर वहां पहुंचेगा। तो कोई राजनीतिक पार्टी अगर इस प्रकार का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, इस प्रकार का अगर घमंड कर रही है, तो भगवान राम उसका घमंड भी जो है जी, तोड़ने का। जी विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और बात करेंगे अगली खबर की, राम मंदिर को लेकर देश में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं विपक्षी नेता हमला बोलते हुए भी नजर आए। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताने वाले बयान पर उन्होंने अपने महल में बाबर की मस्जिद बनाने की सलाह दी है, जिससे बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसी के लिए तमाम तैयारियां प्रदेश भर से लेकर देश भर में देखने को मिल रही है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। सर, अगर बात की जाए तैयारियों को लेकर, प्रदेश भर में कई स्वच्छता अभियान चलाया, आपकी तरफ से किस तरह का जो अभियान है वो चलाया जाए? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि मकर संक्रांति से लेकर और भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी तक, सारा देश अपने जो भी हमारे पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है, पूजा स्थल हैं, उनकी सफाई करें, स्वच्छता करें, अपने मोहल्ले में सफाई अभियान चलाएं, एक विशेष राइड इस दौरान चलाएं। उसी निमित्त आजकल हम सब लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और जगह जगह पर हम लोग पार्टी की ओर से भी निर्धारित हुए हैं, कुछ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, उन जगह हम सहभाग कर रहे हैं। ये सर, अगर बात की जाए विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और सांसद इसे राजनीतिक तौर पर एक कार्यक्रम बता रहा है भाजपा का। नहीं भैया, तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर या तो वामपंथी लोग हैं या तो कांग्रेस के लोग हैं, मूलतः कांग्रेसी लोग हैं। तो भैया आप लोगों को मौका मिला था 1947 में जब देश आजाद हुआ था और तमाम प्रधानमंत्री कांग्रेस ने देश को दिए या देश की जनता ने उन पर विश्वास किया, तो आप लोगों का मौका मिला था, आप लोगों ने क्यों ऐसा नहीं किया, आप लोग क्यों पीछे हटते चले गए? आज तमाम तरह के जो हम लेख पढ़ रहे हैं, जो मुकदमे चल रहे थे, जो आंदोलन चल रहे थे, किस तरह से उनको कुचला गया, किस तरह से उन आंदोलनों को कुचला गया। तमाम लोग आज़ादी के बाद भी राम जन्म स्थान पर मंदिर के लिए बलिदान हुए या पुलिस की गोलियों का शिकार हुए हम कहें, तो आपको मौका मिला था तो आप लोग कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। पूर्व कैबिनेट मंत्री है नव प्रभात, उनका एक बयान सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि उसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की जो मंदिर है उसे वो बाबरी मस्जिद बता रहे हैं, उसमें मतलब बाबरी मस्जिद बोलूंगा, क्या
क्या बयान है, किस तरह की मानसिकता है? अब नवप्रभात जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको बाबर इतना प्रिय है तो उनको बाबर की धरती पे चले जाना चाहिए और एक बाबरी मस्जिद अपने महल में बना दें तो ज्यादा अच्छा है, तो उनको बाबर से इतना प्रेम है। तो सर आखिरी सवाल, राम मंदिर को लेकर किस तरह से उत्साह है? आपने भी देखा होगा देहरादून को पूरी तरह से सजाया गया है, किस तरह? देहरादून ही नहीं, देखिए देहरादून ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में सजावट हो रही है, लोग वहां पर खुशियां मना रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और तमाम दुनिया के देशों से जो सनातनी लोग हैं और जो राम में आस्था रखते हैं, ऐसे लोग जो गैर हिंदू भी हैं, गैर सनातनी भी हैं, वो भी अयोध्या में आने के लिए उत्सुक हैं। तो चारों तरफ खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है और एक देश गर्व की अनुभूति कर रहा है। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनका कहना है कि जो पूरा देश है वो उत्साह में है राम मंदिर को लेकर और इसी को लेकर प्रदेश स्तर पर भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और साथ साथ विपक्ष पर भी वो हमला बोलते हुए नजर आए। कैमरा जर्नलिस्ट हर्षवर्धन के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। और रामलला के दर्शनार्थियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर लगी रेलवे बोर्ड की मुहार, सीएम धामी ने रेल मंत्री से ट्रेन चलाने का किया आग्रह। देहरादून से 25 जनवरी को रवाना होगी पहली ट्रेन, 27 जनवरी को ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी, 21 तारीख को ट्रेन की बुकिंग जो है उसकी शुरू हो जाएगी, वहीं 1600 रुपये ट्रेन का किराया होगा। तो सीएम धामी ने इसके लिए जो है रेल मंत्री से ट्रेन चलाने का आग्रह किया है और ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड की ओर से मुहर भी लग गई है और इसका किराया जो है 1600 रुपये होगा। तो सीएम धामी ने रेल मंत्री से ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है, देहरादून से 25 जनवरी को रवाना होगी पहली ट्रेन। तो देहरादून से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड की मुहर लग गई है और 21 तारीख से जो है ट्रेन की बुकिंग शुरू हो जाएगी। देहरादून से 25 जनवरी को पहली ट्रेन रवाना होगी और 1600 रुपये जो है ट्रेन का किराया होगा, जिससे लोग अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन कर सकेंगे और प्रदेश में रामलला के दर्शन करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड की ओर से जो है मुहर लग गई है, क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पत्र लिखकर जो रेल मंत्री है उनको ये आग्रह किया था कि सीधा देहरादून से अयोध्या तक एक ट्रेन जाए और उसके तहत जो रेलवे उत्तर रेलवे की जो बोर्ड है उसने प्रस्ताव भेजा था रेलवे बोर्ड को कि जल्द से जल्द 20 अलग अलग जगहों पर ये पूरी ट्रेनें चलाई जाए, जिसमें से अभी तक जो बात की जाए तो 7 ट्रेनों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें पहली ट्रेन 25 जनवरी को देहरादून से रवाना होने जा रही है, जिसमें 27 जनवरी को वहां पर पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं लोग चाह रहे थे, क्योंकि अब अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या एक हॉटस्पॉट बनने वाला है तीर्थयात्रियों के लिए और कहीं ना कहीं जो श्रद्धा रखते हैं श्री राम पे वो अब अयोध्या के लिए रवाना। इससे पहले पूर्व में बात करूं तो बस से सर्विस भी यहाँ पर सीधी चल रही है देहरादून से अयोध्या के लिए। साथ साथ अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री के साथ साथ जो उत्थान नागरिक यानी कि उड़ान सेवा की पत्र के लिए भी आग्रह किया था और वो भी जल्द हो जाएगा कि सीधा जो देहरादून से हवाई सेवा है वो लोगों को मिले। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं अयोध्या को लेकर, क्योंकि रामलला 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसे में माना जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद जो तीर्थ यात्री है खासकर जो हिंदू धर्म से अत्यधिक वास्ता रखता है वो अयोध्या के लिए जाएगा और इसी के लिए तमाम सर्विसेज चलाई जा रही है। तो जो पहली ट्रेन निकाली जाएगी वो 25 जनवरी से निकाली जाएगी, लेकिन ये ट्रायल के तौर पर निकाली जाएगी, लेकिन जब विधिवत के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो 1 फरवरी की शुरुआत हो जाएगी और इसकी टाइमिंग रहेगी कि 11 बजे से ये ट्रेन निकलेगी और साथ साथ 3 फरवरी को ये ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी 2:55 दोपहर के। और इसके अलावा मैं बात करूं तो हरिद्वार की बात करूं तो 14 तारीख को एक ट्रेन निकलेगी और ऋषिकेश से जो तौर पर जो ट्रेन निकाली जाएगी 16 तारीख को निकालेगी। तुषार, अभी फिलहाल की बात करें, हाल फिलहाल की, तो अभी कितनी ट्रेनों को जो है यहाँ से रवाना किया जाएगा अयोध्या के लिए?
देखिए अभी अगर फिलहाल की अगर बात करो तो 25 जनवरी का जो पहला दिन होगा उस दिन पहली जो ट्रेन है जो सीधा देहरादून और अयोध्या को जोड़ेगी वो यहाँ से रवाना होगी, और 1 फरवरी के बाद अगर मैं बात करूँ तो 3 ट्रेनें और इसमें चलाई जाएगी, संचालित की जाएगी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, अगर लोग अत्यधिक तौर पर जो अयोध्या है वो चाहते हैं, तो ऐसे में 1 फरवरी और साथ साथ 14 फरवरी को हरिद्वार से और 16 फरवरी को जो तीर्थ नगरी है ऋषिकेश वहां से ये ट्रेन निकाली जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के तीर्थयात्री हैं उन्हें सौभाग्य के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये सौगात दी है कि वो सीधा अब अयोध्या के लिए जा सकते हैं। जी अगर किराए की बात कर ले तो 1600 रुपए बताई जा रही है, क्यों कौन कौन सी सुविधा जो है यात्रियों के लिए इन ट्रेनों में की जाएगी? देखिए ट्रेन की अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधा इसमें बिल्कुल रहेगी, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मैं बात करूं तो उन्होंने वंदे मातरम ट्रेन के लिए भी इसमें पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द जो लखनऊ देहरादून से लखनऊ को एक वंदे मातरम ट्रेन जोड़ने वाली है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो ये लखनऊ तक ये पूरी ट्रेन जानी है इसे अयोध्या तक भी कनेक्ट किया जाए, तो जिसके बाद हम देखते हैं जो वंदे मातरम ट्रेन है जिसमें अत्यधिक सुविधाएं हैं वो भी देशवासियों को या प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं सुविधाएं अत्यधिक मिलने वाली है, और हवाई सेवा अगर कुछ दिनों में शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जो तीर्थयात्री है उन्हें कहीं ना कहीं तीनों माध्यमों से वो अयोध्या पहुंच सकते हैं, जिसमें बस सर्विस है और साथ साथ कहा जा सकता है ट्रेन की सर्विस मिल चुकी है, अब हवाई का इंतजार है। तो कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं मूलभूत सुविधाएं इसमें मिलेगी। अगर वंदे मातरम ट्रेन चलती है तो कहीं ना कहीं उसका जो जो सुविधा है उसमें अत्यधिक होगी, उसमें आपको खाना मिलेगा, साथ साथ मूलभूत सुविधाएं अच्छी होगी। जी तुषार बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वहीं उत्तराखंड में 22 जनवरी को दीपावली मनाने का भी निर्णय बीजेपी संगठन ने लिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को प्रदेश के स्कूल और शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के कर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश दिया गया। साथ ही बीजेपी संगठन ने प्रदेश के सभी सांसदों विधायकों और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में बने रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जोशीमठ में नरसिंह देवता मंदिर में जाकर कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में मौजूद रहेंगे और प्रदेश कार्यालय में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 22 जनवरी के जो भगवान राम अपने भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं उसको लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक कहीं ना कहीं किसी मंदिर में वो भजन कीर्तन के कार्यक्रम में और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा उसको देखेंगे, और रात्रि में पूरे प्रदेश के अंदर अपने घरों में दीपावली भी मनाएंगे और 5 दीप अपने घर में जला के राम ज्योति के रूप में उसको अपने घर में जलाएंगे। 22 तारीख देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक और भगवाल मनाई जाएगी जिसे हम लोग राम भगवाल कहेंगे, राम दीपावली भव्यतम होगा। हर गांव में एक मंदिर है, वो मंदिर किसी भी देवी देवता का हो, हर देवी देवता भी उस दिन 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जो अनुष्ठान चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ के सारे नागरिक एकत्रित स्थान पर आकर बड़ी LED TV लगाकर हम उस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। वहाँ आरती होगी, उस मंदिर में भी आरती होगी। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।